ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 19.1 करेंगे, इसमें जैसे दिया गया है कॉपी दिस टैली मार्क्स इन योर नोटबुक। इसको जो है अपने नोटबुक में टैली मार्क्स को कॉपी करना है। इसे चार वर्टिकल लाइनें खींचकर एक स्लैंटिंग लाइन खींच देते हैं तो पाँच लाइनें हो जाती हैं। इसी तरह से चार स्लैंटिंग लाइन, फिर एक चार वर्टिकल लाइन, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर चार वर्टिकल लाइन और पांचवी लाइन के लिए एक स्लैंटिंग लाइन खींच देते हैं। और यहाँ जो है थ्री वर्टिकल लाइन खींची गई है, तो इसमें तीन और खींचना है। तो तीन खींचेंगे तो एक और खींचेंगे, चार हो जाएगा। और जब अगला खींचेगा तो पाँच, पाँचवें के लिए तिरछा कर देंगे, फिर एक बचेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 5 4 20 और एक और है, 21 हो जाएगा। फिर राइट द नंबर इन न्यूमरल्स, राइट द नंबर इन न्यूमरल्स। अब उसको न्यूमरल्स में लिखना है तो 21 आप यहाँ काउंट करके लिख देंगे, 5 5 5 5 5 4 20, एक और 21 हो जाएगा। फिर जैसे 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स वांट टू गो ऑन ए लोकल टूर, द चॉइसेज ऑफ फ्रूट प्रेफर्ड बाय द ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। जैसे गुआवा, बनाना, ऑरेंज, बनाना, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, गुआवा, इस तरह से दिया गया है। तो आप इनको टैबलेट करना है, गुआवा का, बनाना का, ऑरेंज का, एप्पल का। जैसे गुआवा के सेवन है तो सेवन के लिए आप क्या करेंगे, चार वर्टिकल एक स्लैंटिंग, पाँच और दो और, पाँच दो सात हो जाएगा। जब आप गुआवा काउंट करोगे तो सेवन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, बनाना को एट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, और एट के लिए आप चार वर्टिकल एक स्लैंटिंग, पाँच और तीन और, पाँच तीन आठ ऐसे। ऑरेंज के लिए सिक्स है तो सिक्स बच्चे प्रेफर करते हैं तो सिक्स के लिए ऐसे खींच देंगे। एप्पल के लिए नाइन तो पाँच और चार नौ, पाँच चार नौ, इस तरह से कर लेंगे। अब फिर क्वेश्चन देना है कि विच फ्रूट इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं एप्पल, एप्पल को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, नाइन स्टूडेंट्स हैं, तो एप्पल इज़ प्रेफर्ड बाई द मोस्ट स्टूडेंट हो जाएगा। फिर क्या है, गिव द क्वान्टिटी ऑफ फ्रूट टू बी परचेज्ड फॉर द टूर। टूर के लिए कितने क्वान्टिटी में फ्रूट्स परचेज किए गए हैं तो उसको आप टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो देख रहे हैं 30 फ्रूट्स भी हो रहे हैं, 30 फ्रूट्स भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर इसका पूरा हो जाएगा और आप टेबुलेट इसको इस वे में करेंगे। फिर है, जयंत इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर टाइप व्हिच पास थ्रू द रोड अपोजिट द स्कूल ड्यूरिंग वन आवर। ही हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। जैसे टाइप्स ऑफ व्हीकल है, टैली मार्क्स है, नंबर ऑफ व्हीकल्स है, तो स्कूटर या मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं कि 5 5 5, 15 और 2, 17 हो गए हैं। कार्स ऑफ 23 है, वैंस काउंट करेंगे तो 21 आ रहा है। फिर बसेस जो है आपका 12 हो रही हैं। फिर अदर व्हीकल्स जो है आपके 18 हो रहे हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं तो 91 व्हीकल्स टोटल पास होती हैं उस स्कूल गेट से। आगे क्या है, कंप्लीट द नंबर ऑफ व्हीकल्स कॉलम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो जैसे नेम द टाइप ऑफ व्हीकल विच पास्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 23 टाइम्स है। और कौन सा है, कार, यहाँ कार भी लिख देंगे, ब्रैकेट में 23 लिख देंगे, कार लिख देंगे, ब्रैकेट 23 लिख देंगे। फिर नेम द टाइप ऑफ व्हीकल्स विच पास्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बसेस पास होती हैं तो बस लिख देंगे और ब्रैकेट में 12, ब्रैकेट में 12 लिख देंगे। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स विच पास्ड द प्लेस विद इन वन आवर, एक घंटे में उस प्लेस से टोटल कितने व्हीकल्स गए हैं, तो टोटल करने पर आप 91 पाते हैं, तो यहाँ 91 लिख देंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ ईच विच पास्ड द प्लेस विद इन वन आवर, तो यहाँ 23 कर देंगे, क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। तो वन आवर में टोटल कार की कितनी संख्या पास हो रही है, आप देख रहे हैं 23। तो इस तरह से बच्चों इसको पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ एनफ फॉर टुडे।